हेलो गाइस, वेलकम टू अ चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो आज हमारा डे आई थिंक 4 है या 5 है केवीएस पीआरटी साइंस एमसीक्यू का। और अगर ये सारी सीरीज आपने देख ली तो केवीएस पीआरटी में साइंस में आपके पूरे मार्क्स आएंगे, ये गारंटेड है, ठीक है ना। चलो, आज जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ केमिस्ट्री सेशन सेक्शन के हैं, जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम के क्वेश्चन है। द आयन ऑफ एन एलिमेंट, देखो आयन किसे कहते हैं। देखो एक होता है एटम, परमाणु। अगर परमाणु इलेक्ट्रॉन ले लेता है या फिर इलेक्ट्रॉन दे देता है, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो उस पे आ जाता है माइनस चार्ज। अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन दे देता है तो उस पे आ जाता है प्लस चार्ज। तो जब तक परमाणु ने एटम ने इलेक्ट्रॉन लिए और दिए नहीं है तो उसे परमाणु या एटम कहा जाता है। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है तो हम उसे क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन देता है उसे कहते हैं कैटायन, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसे कहते हैं एनायन। कैटायन को कहते हैं धनायन और इसे कहते हैं ऋणायन, ठीक है ना। चलो, कह रहे आयन है, एलिमेंट है 3 पॉजिटिव चार्ज, उसपे कितना है, 3 प्लस है। तो यहां से देखो, सबसे पहले आप क्या देखोगे कि प्लस कब आता है बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन जाता है। एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 1 प्लस, और 3 प्लस का मतलब है इसने कितने इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन। ये बात समझ आई। चलो, मास नंबर मतलब एटॉमिक मास, एटॉमिक मास है 27। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, आपको पता है एटम में सेंटर पे होता है न्यूक्लियस और घूम रहे होते हैं उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन, और न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। मैं फॉर्मूला बता देता हूं कि एटॉमिक मास इक्वल टू न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, पहला फॉर्मूला। और एटॉमिक नंबर इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन। तो बच्चों देखो, न्यूट्रॉन कितने, 14। न्यूट्रॉन कितने, 14। न्यूट्रॉन की जगह 14 ये फॉर्मूला लगाता हूं। एटॉमिक मास दिया 27, न्यूट्रॉन कितने, 14, प्रोटॉन नहीं पता तो प्रोटॉन कितना आ गया, 13। और प्रोटॉन ही किसके बराबर होता है, प्रोटॉन ही किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन। यानी कि इस एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 13। लेकिन क्वेश्चन में देखो 13 ऑप्शन में दिया है, लेकिन 13 हमारा रॉन्ग आंसर होगा। क्यों, क्योंकि यहां वो किसकी बात कर रहा है, आयन की। किसकी बात कर रहा है, आयन की। ये तो एटम हो गया। अब मैंने क्या बताया था, जो क्वेश्चन में दिया है उसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रखे, 3। तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, अब 10। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन। कल मैंने भरना सिखाया था KLMN आपको, 2 वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो जैसे मानो सोडियम की बात करते हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, पहली ऑर्बिट में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 1, यहां लास्ट में कितना है, 1। तो ये इसके हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही डिफाइन करती है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या डिफाइन करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। ये डिफाइन करेगा कि ये चीज मेटल होगी या नॉन मेटल होगी, मेटल होगी या फिर नॉन मेटल होगी। ऐसी सारी केमिकल प्रॉपर्टी कौन डिफाइन करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आंसर आ गया केमिकल प्रॉपर्टीज। रदरफोर्ड गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट मैंने कराया था, रदरफोर्ड गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट मेरे चैनल में 2 बार हो चुका है ये, ठीक है ना। अगर आपने एक बार भी देखा या कहीं से पढ़ा है तो क्वेश्चन बहुत आसान है। रदरफोर्ड ने किसकी डिस्कवरी की थी, न्यूक्लियस की। अब आप कहोगे सर न्यूक्लियस की कहाँ की थी, उसने तो इलेक्ट्रॉन वगैरह दुनिया में नहीं, उसने न्यूक्लियस का पता लगाया था कि सेंटर पे क्या है। तो आंसर आ जाएगा न्यूक्लियस। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज फ्लोरिन, फ्लोरिन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 9। मैंने क्या कहा था, KLMN 2, 8, so on। तो फ्लोरिन के
नौ में से पहले के में कितने आ सकते हैं, टू, नाइन में से टू यहाँ गए तो कितने बचे, सेवन, तो यहाँ कितने आएंगे, सेवन। तो यही इसकी क्या हो गई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या हो गई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत आसान है। डे बाय डे जब आप आगे बढ़ोगे ना चैप्टर में, आपको चीजें बहुत आसान लगने लगेगी। मैंने क्या बताया था, ईट पर नाच, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, टी फॉर थॉमसन, जे जे थॉमसन, पी फॉर प्रोटॉन, आर फॉर रदरफोर्ड, एन फॉर न्यूट्रॉन, च फॉर जेम्स चैडविक। तो अब न्यूक्लियस का पूछ रहा है, तो न्यूक्लियस तो रदरफोर्ड नहीं बताया था। अब आप कहोगे सर इसमें तो न्यूक्लियस है ही नहीं, अरे बच्चा इतना क्यों गिर रहे हो, अभी तो हमने पीछे देखा गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किसका था, रदरफोर्ड, और उसने किसकी डिस्कवरी की थी, न्यूक्लियस। समझ आया, बहुत आसान है, चीजें रिपीट होना शुरू करी। क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, के एलिमेंट में भरने की शुरू करो। देखो के में मैक्सिमम 2 आ सकता है, इसमें मैक्सिमम 8 आ सकता है, 18 सो ऑन, तो 17 भरो, तो 17 में से के में कितना आ सकता है, 2, बचा कितना, 15, 15 में से एल में कितना आ सकता है, 8, बचा कितना, 7, तो दिस इज द आंसर, 287। कैंसर थेरेपी में यूज होने वाला जो एलिमेंट है वो है कोबाल्ट 60, कोबाल्ट 60 कैंसर थेरेपी, कैंसर थेरेपी जैसे आपने सुना होगा ना कीमोथेरेपी कहते हैं, रेडिएशन पास करी जाती है कैंसर सेल्स के थ्रू और उन्हें डेड करा जाता है, दिस इज कॉल्ड कीमोथेरेपी। कौन सा यूज होता है, कोबाल्ट 60, कोबाल्ट 60। अल्फा पार्टिकल, सॉरी गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट वाला है, उसने क्या क्या पता चला था, मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एटम ऑक्यूपाइड, पॉजिटिव चार्ज एट अ लिटिल स्पेस, मास ऑफ द एटम कॉन्सिडर सेंटर, ऑल पॉजिटिव चार्ज एंड मासेस ऑफ एटम कॉन्सिडर स्मॉल वॉल्यूम। तो उन्होंने अगर आप डेफिनेशन पढ़ोगे, अगर आप डेफिनेशन पढ़ोगे इस वाले की, किसकी, रदरफोर्ड गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट की, रदरफोर्ड गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट की अगर आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, मैं क्या कह रहा हूँ सुनने की कोशिश करना, रदरफोर्ड क्या हो गया, अगर रदरफोर्ड गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट की आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो उसमें से कौन सा वाला पॉइंट सही था, सिर्फ सेकेंड वाला। क्यों, क्योंकि उन्होंने यही तो बताया था न्यूक्लियस के बारे में, है ना, तो बाकी और पॉइंट भी तो रेस्पेक्टिव वे में सही है, लेकिन रदरफोर्ड ने सिर्फ ये वाला पॉइंट बताया था। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ, ओके। इसी तरह की क्लासेस पाने के लिए, कंटेंट पाने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को, प्यार दिखाएं, यही मैं आपसे चाहता हूँ। धन्यवाद।